जब बीजीएमआई के अंदर बंदे के कितने भी बुलेट मार लो बंदे के डैमेज नहीं होता और कनेक्ट नहीं होती, तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। अगर आपकी बीजीएमआई के अंदर बंदे के बुलेट कनेक्ट नहीं हो पा रही है, फिर रजिस्टर नहीं हो पा रही है, उल्टा बंदा हमको मार के जा रहा है और हम बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आप लोग ऐसे बंदों के मारोगे जैसे मैं मार। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल यार। तो भाई जब से बीजीएमआई आया ना भाई, तब से बंदे के कितने भी बुलेट मार लो बंदे के बुलेट कनेक्ट नहीं हो पा रही है, रजिस्टर नहीं हो पा रही है, और भाई बंदे के कितना भी डैमेज दे लो दिखता है कि हाँ डैमेज हो रहा है बट बंदा मर नहीं रहा है, उल्टा बंदा हमको ही मार के चले आ रहा है। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ और इसमें आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ और भाई ड्रिल्स बताने वाला हूँ, सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग अगर भाई बंदे के एक भी बुलेट मारोगे ना तो बंदे के हेडशॉट लगने वाला है और आपकी रजिस्ट्रेशन ना बीजीएमआई की, भाई आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो, इतनी खतरनाक हो जाएगी। बंदे के एक ही बुलेट मारोगे आप लोग बंदा खत्म होने वाला है, ठीक है। आपके पास लो एंड डिवाइस हो चाहे हाई डिवाइस हो, कितनी भी एपीवी से आप लोग खेलते हो, इतनी खतरनाक वाली टिप्स बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को पे कर देना अगर आपको बंदे के बुलेट चिपकानी है। तो सबसे पहला पहली टिप्स के बारे में बात करते हैं। देखो जो सबको ही सेटिंग करनी है, आपको बीजीएमआई की आईडी पे जाना है और अपनी आईडी लॉन्ग आउट कर देनी है। ये सेटिंग सबको करनी है, चाहे वो एंड्रॉयड वाला हो चाहे आईओएस वाला हो, ठीक है। इससे सारे बग्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको रिपेयर पे आना है और रूटीन रिपेयर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। इस सेटिंग को करने के बाद ना आपके पास हाई पिंग, हाई डैमेज या फिर वह कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सारे यहाँ पे बग्स वगैरह फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सेटिंग सबको करनी है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर दो के बारे में। आपको सेटिंग में जाना है, एडवांस कंट्रोल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा यहाँ पे, भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सीलेशन, ठीक है। आपको ना इसको एनेबल नहीं करना है, डिसेबल नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको एनेबल रखते हो और आपका जब भी डैमेज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपकी बुलेट कनेक्ट नहीं हो रही है, रजिस्टर नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको ना इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। ये ना स्क्रीन साइलेंट कर देता है, जिससे ना आपकी जो अच्छी तरह से यहाँ पे क्रोसियर की रेंज होती है ना वो बढ़ जाती है और आपका जो क्रोसियर अच्छी तरह काम कर ले जाता है और यहाँ पर खास करके बुलेट भी कनेक्ट होने लगती है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, अगर आपको भाई एनेबल कर रखा है तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिसेबल कर देना है, और जिसके बंदों का डिसेबल है तो उनको एनेबल कर देना है, ठीक है। तो आपको ये करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्वाइप एक्सीलेशन है यहाँ पे, इसको डिसेबल ही रखना। इसको डिसेबल रखने से आपकी कनेक्ट अच्छी तरह से होगी बुलेट। अब बात करते हैं टिप्स नंबर थ्री के बारे में। देखो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सेटिंग में जाना है दोबारा से, ये अभी सेटिंग बता रहा हूँ सारी की सारी। सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो थर्ड पर्सन परफेक्टिव ये व्यू होता है ना, इसको सब बंदे यहाँ पे आईपैड व्यू के चक्कर में बढ़ा के रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता दूँ कि थर्ड पर्सन 84 और 90 वाले पे आप लोग अंतर देख सकते हो, छोटा बड़ा कैरेक्टर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो काफ़ी बंदे लालच के मारो ना, ठीक है, लालच की वजह से भाई आईपैड तो उनको मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो बंदा होता है छोटा हो जाता है और उनकी अच्छे से बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आप 80 पर रखते हो तो आप लोग देख सकते हो, ये सामने वाला यहाँ पे पुतला खड़ा है, ये कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी बंदे भाई 84 भी रखते हैं इसको, बट यहाँ पे अगर मैं आपको सजेशन करूँ कि 80 पे ना आपकी रजिस्ट्रेशन इतनी खतरनाक होती है, क्या ही बता दूँ, ठीक है। आपको अगर इसको भाई बढ़ा कर रहा है तो आपको 90 नहीं रखना है, आईपैड व्यू तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप 84 भी रखते हो ना, या फिर 80 से लेके 84 के आसपास आपको रखना होगा, इससे क्या होगा आपको व्यू भी अच्छा खासा मिलेगा और आपकी जो बुलेट रजिस्ट्रेशन है, बुलेट कनेक्टिंग प्रॉब्लम होना है, वो भी सारी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं टिप्स नंबर फोर के बारे में। देखो अगर आपको बुलेट कनेक्टिंग की यहाँ पर भाई प्रॉब्लम छुटकारा पाना है, ठीक है, और आपका हेडशॉट एक्यूरेसी बढ़ानी है, हेडशॉट पर हेडशॉट मारने है ना, तो आपको क्या काम करना है, कोई भी मार्क अपने क्रोसियर से नीचे जस्ट नीचे रख लेना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मेरे क्रोसर कहाँ पर है और मैं अपने मार्क से यहाँ पे बंदे के एम करके बैठा हूँ, पर बंदे के हेडशॉट पे हेडशॉट लग रहे हैं। आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद ना कोई भी यहाँ पे चीज़ उठा लेनी, जैसे यहाँ पे भाई मेरा मार्क लोकेशन वाला हो गया या फिर इमोट वाला सेक्शन वाला हो गया, आपको ना छोटा करके अपने क्रोसियर से जस्ट नीचे रख लेना है। मैं आपको इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ, जहाँ पे आपकी बुलेट अच्छे से हेडशॉट पे कनेक्ट होगी, ठीक है। आपको स्कोप ऑन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद बुलेट फायर करना है और आपको बंद कर देना है स्कोप, तो आप लोग देख सकते हो बुलेट कितनी नीचे है, तो इसके बीच में आपको लगा लेना होगा और ये करने के बाद ना उस मार्क से ही खेलना है आपको, और हेड्स आपका क्रोसर ऊपर रहेगा बट यहाँ पे भाई बंदे का हेडशॉट लगेगा। बात करते हैं टिप्स नंबर फाइव के बारे में। देखो इस वाली लोकेशन पे आ जाना है, कोई भी गन उठा लेनी होगी आपको और यहाँ पे इस पर ट्रेन पे आ जाना है। ट्रेन पर आने के बाद डिफिकल्टी 3 सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट कर देना है, इससे आपकी जो बुलेट
आपकी पावर होगी वो अच्छे से बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी, और ये जो बोट आएगा ना आपको हेड पे इसको एम रखना है ठीक है, और इनके डैमेज से बचना है क्योंकि भाई ये डैमेज बहुत खतरनाक देते हैं। इनकी जो आपका टारगेट होगा इनका हेड, आपको ये प्रैक्टिस ना आपको भाई 7 दिन लगातार कर लेनी है, आपका जो बुलेट कनेक्ट की और रजिस्टर की प्रॉब्लम होती है ना वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 6 के बारे में, आपको अपनी सेटिंग में जाना है ठीक है, सेटिंग में जाना है, सेंसिटिविटी आपको हो जाना है। देखो यहाँ पर भाई जो प्रॉब्लम आती है ना वो यहाँ पर सेंसिटिविटी तय नहीं, जिससे रजिस्टर नहीं होती तो थर्ड पर्सन नो स्कोप है ठीक है, कैमरा सेंसिटिविटी का इसको 85 से लेकर के आपको 95 के बीच रखना होगा ठीक है, 95 के बीच रखना होगा। 100 आप लोग लास्ट रख सकते हो बट आपको 100 से ऊपर नहीं जाना है ठीक है, यह बात ध्यान रखना। थर्ड पर्सन नोस्कोप, उसके बाद आपको ADS सेंसिटिविटी आना है और TPP नोस्कोप, इसको भी आपको 85 से लेकर के आपको 95 के बीच ही रखना होगा ठीक है, 95 से ऊपर आपको नहीं जाना है क्योंकि आपकी हेडशॉट की एक्यूरेसी अच्छी तरह से फास्ट हो जाएगी और बुलेट नॉट कनेक्ट की प्रॉब्लम, रजिस्टर की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। तो भाई वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल करना सब्सक्राइब, ये वाली सारी सेटिंग करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोगों का ख्याल रखना, लव यू ऑल।